हेलो गाइस, दिस इज लखन और आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे कि स्मार्ट वर्क या स्मार्ट स्टडी क्या होती है। जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारे टीचर और इसके अलावा टॉपर वगैरह कहते हैं कि हमने स्मार्ट स्टडी की। दोस्तों, ये स्मार्ट स्टडी क्या होता है? ऐसा तो है नहीं कि भाई टॉपर है वो स्मार्ट है और स्टडी कर रहा है इस वजह से हो गई स्मार्ट स्टडी, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो स्मार्ट स्टडी कैसे करें? तो दोस्तों, इस वीडियो में पूरी की पूरी अपडेट दूंगा, तो वीडियो को फर्स्ट से लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा पूरा जरूर देखिएगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। दोस्तों देखो, स्मार्ट स्टडी क्या होती है सबसे इंपॉर्टेंट बात। तो दोस्तों, स्टडी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती क्या है, यहाँ से लेते हैं, ठीक है ना। तो क्या आता है, जनरली हम लोग फर्स्ट डे आप लोग जो स्टडी करते हो, ठीक है, साल में जो अपन पढ़ते हैं वो साल के अंत तक जाते जाते अपन भूल जाते हैं। ऐसा इसका पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण ये है कि फर्स्ट डे अपन को जो याद है ना, वो अगर अपन सेकेंड डे वापस विचार करें कि अपन को कितना याद है, तो वो फर्स्ट डे से कम होगा, यानी कि 100% याद नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ऐसा ऐसे करके 7-8 दिन में अपन जो चैप्टर अपने रीड आउट किया है वो भूल जाते हैं। और ये हकीकत है, हर कोई भूलता है। ऐसा नहीं है कि टॉपर बच्चा अगर वापस देखेगा नहीं, ठीक है, तो वो भूल जाएगा, सबको पता है। तो दोस्तों, इसके लिए आप जो भूल जाते हो ना, इस भूलने को अपन कम करना है। अब कैसे कर सकते हो? ये जो कम करने का तरीका है ना, ये है कि आपको वापस रिवीजन करना पड़ेगा। अब रिवीजन कैसे करना है? तो दोस्तों, रिवीजन ऐसे करना है, आपको अपना फिक्स टाइम टेबल बनाना है कि मुझे इस हिसाब से इस चैप्टर को इन 3-4 दिनों के अंदर वापस रिवाइज करना है। अब दोस्तों, पूरा चैप्टर इतना लंबा सौड़ा पड़ा है, ठीक है, हम लोग आज रीड आउट कर रहे हैं और उसके बाद में 3-4 दिन बाद में वापस रीड आउट करेंगे और उसके अंदर आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अब कैसे कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे पास में इतना टाइम नहीं है। तो दोस्तों, जब आप रीड आउट कर रहे हैं ना फर्स्ट डे, तो उस टाइम उसको इस हिसाब से कीजिए, ठीक है ना, कि उसको जो नोट्स इस हिसाब से बनाइए कि आपको एक बार पढ़ने से ही सब कुछ समझ में आ जाए, ठीक है। आपके अगर आपको काफ़ी लंबा सौड़ा दिखाया हुआ हो, ठीक है, या फिर बुक्स ही आप रीड आउट कर रहे हैं, तो आपको हर पेज को, हर लाइन को आपको इतनी अच्छे से स्टडी करनी है, उसके अंदर आपको निकालना है कि कहाँ कहाँ क्वेश्चन बन रहे हैं और उनका क्या क्या आंसर है, ठीक है, और वहाँ पर टिक लगा लीजिए, ये आंसर है, उसके ऊपर क्वेश्चन लिख लीजिए, ठीक है। तो इस हिसाब से आप करोगे ना, तो वापस आप जब भी वापस रिविजन करने के लिए बुक खोलोगे ना, तो आपको वापस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके पास में ऊपर आपने क्वेश्चन बना रखा है ना, तो उसको पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद में वापस अपने हिसाब से आंसर देने की कोशिश करनी है। नहीं आ रहा है तो वापस आंसर देखिए और उसके बाद में इस हिसाब से लगोगे ना, तो दोस्तों आपको वापस जो लंबा सौड़ा भाषण है वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो जो मैन मैन है, ठीक है ना, आपको क्रीम क्रीम बोल सकते हैं, वो स्टडी करना पड़ेगा और वहीं से आपके क्वेश्चन आएंगे। रीजन, क्योंकि आपने तो सारे सारे क्वेश्चन अंदर से ही बना लिए, ठीक है ना, तो ये फंडा है, ठीक है, इस हिसाब से करेंगे। इसके बाद में दोस्तों, आपने जनरली देखा होगा क्लास के अंदर बच्चे होते हैं, वो कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो उसका इंस्टेंट रिप्लाई देते हैं, ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे। तो इसका कारण क्या है? टॉपर बच्चे मेन रूप से, तो इसका कारण ये है कि जब भी वो क्लास के अंदर जाते हैं ना, उससे पहले जो चैप्टर पढ़ाएंगे उसको एक बार रीड आउट करते हैं, जल्दी जल्दी रीड आउट कर लेते हैं, लेकिन रीड आउट जरूर करते हैं, ठीक है। अब रीड आउट करने का फायदा, तो दोस्तों जनरली अपन क्लास के अंदर बैठे होते हैं ना, तो अपन कभी कभी ऐसे ख्याली पुलावों के अंदर चले जाते हैं कि अपन को पता ही नहीं चलता है कि टीचर ने बोर्ड पे क्या पढ़ाया है, ठीक है ना, हर बच्चे के साथ में होता है। तो अब आपके सामने कोई, आपने जैसे ही स्टडी कर रखा है ना, रीड आउट कर रखा है, तो आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें आएगी जो आपने वापस, जैसे ही टीचर ने स्टडी करवा रहा है और एक ऐसा पॉइंट बोल दिया जो आपके माइंड में वो जगह ले चुका है, आपने रीड आउट कर रखा है, तो वापस उसकी वजह से आपको वो सुनाई देगा और आप वापस उस पर फोकस कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये उससे फायदा होता है। दूसरा, आपने वेले पढ़ रखा है, इसका मतलब आपको थोड़ी सी उसमें आपको समझ नहीं आया, तो वहाँ पर आपका ध्यान एक्ट्रेट होगा और वापस वहाँ पर अगर आपने समझ लिया ना, तो आप लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, ये फंडा रहता है, ठीक है। और इसके बाद में तीसरी बात, ठीक है, जब भी आपको टीचर पढ़ा रहा है, ठीक है, तो उसके बाद में हाथों हाथ आपको बताता है, आपको क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, या फिर आपको फिजिक्स या आप लेके बैठे हो मैथ्स, तो आपको वहाँ पर सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन देता है कि ये करो। तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, करते नहीं है, बैठे रहते हैं कि भाई सर आंसर बताएंगे तभी हम कर लेंगे, और टॉपर बच्चे उसका आंसर भी देते हैं, शायद गलत दो या
सही, लेकिन वो कोशिश अपनी करते हैं। दोस्तों इससे क्या फायदा है, इससे दोस्तों ये फायदा है कि आपको जो टॉपिक रीड आउट करवाया ना, वो आप लोगों को क्वेश्चन उससे रिलेटेड दे रहे हैं, तो अगर आप उसको सही तरह से सॉल्व आउट करेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपको समझ में आया या नहीं आया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो ऐसा आपको जनरली करना है कि जब भी आपको क्वेश्चन पूछे टीचर, तो उसको इंस्टेंट आपको करने की कोशिश करनी है, ठीक है। और आपको देखो ये नहीं है कि सही होगा या गलत, तो दो ही ऑप्शन है, सही या गलत, ठीक है। तो आपको बस ये नहीं, डर नहीं अपने मन रखना है कि भाई गलत हो जाएगा या सही, आपको करने की कोशिश करनी है, ठीक है। जब आप लोग इतना करोगे ना, तो आपके लिए बहुत है। और रिवीजन इंपॉर्टेंट चीज है, आपको टाइम टू टाइम रिवीजन करना है। ऐसा नहीं कि आप लोग फर्स्ट डे केमिस्ट्री लेके बैठ गए और सेकंड डे फिजिक्स लेके बैठ गए, जो भी आपके सब्जेक्ट है, ठीक है ना, और उस हिसाब से कर रहे हो, नहीं, सभी सब्जेक्ट का तालमेल बिठा के, जैसे फर्स्ट डे है तो तीनों सब्जेक्ट को साथ में लेके चलना है, आपके जो मेन सब्जेक्ट है सबको एक टाइम टेबल के हिसाब से साथ में लेके चलने की कोशिश करनी है। अब बात आती है कि भाई आपको कोई पढ़ने को बोले तो आप क्या करते हो, नोट्स वगैरह उठा लेते हो, किसी और के नोट्स। तो दोस्तों कभी भी दूसरे के नोट्स आपको यूज में नहीं लेने हैं। आपको भाई क्लास के अंदर टीचर ने पढ़ाया तो वहां से यूज में ले सकते हो, ठीक है। मैं आपको यही बताऊंगा कि आपकी जो बुक है वो सबसे बेस्ट है, ठीक है ना, उसको अच्छे से रीड आउट कीजिए, उसमें से खुद के नोट्स बनाइए और वो यूज़ में लीजिए, क्योंकि किसी और के नोट्स से आप कभी 100% नहीं ला सकते। और अगर आपने आपकी बुक्स है उसके अंदर से स्टडी कर लिया और एक एक पॉइंट को ध्यान में रख के किया, तो आप लोग 100 में से 100 ला सकते हो। दोस्तों यही होती है स्मार्ट स्टडी, और कुछ नहीं होता है कि बाहर से कुछ स्मार्ट शब्द लेके आ गए और उसको घुसा दिया और अपना सब कुछ हो गया, नहीं, यही होता है स्मार्ट तरीके से स्टडी। क्या है कि बच्चे क्या करते हैं, वापस रिवीजन नहीं कर पाते हैं और वही प्रॉब्लम बैठ जाती है। तो आपको ये सब आप टिप्स यूज में लोगे ना, तो यही स्टडी होगी, वो स्मार्ट स्टडी कहलाएगी, ठीक है। और आप लोग स्मार्ट स्टूडेंट बन जाएंगे, यानी कि टॉपर बन जाओगे, लेकिन आपको ये यूज में तो लेनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूँ दोस्त जानकारी अच्छे समझ में आ गई। ऐसी और जानकारी के लिए वीडियो के नीचे लाल बटन है उसको दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को दबा दें, जिससे मैं जो भी वीडियो आपके लिए पोस्ट करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देखें। इसके अलावा दोस्तों वीडियो अच्छा लगा लाइक करके अपने दोस्तों शेयर करें, जिससे उनको भी कुछ हेल्प हो। इसके अलावा कोई डाउट हो डिस्क्रिप्शन इंस्टाग्राम चैनल के लिंक है, जाके फॉलो करके मैसेज डाल दो, आपको इंस्टेंट रिप्लाई मिल जाएगा। इसके अलावा कमेंट बॉक्स में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्त मिलते हैं, जय हिंद।